दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रिजन रेसी सर यूट्यूब चैनल पे आज की क्लास में हम 28 सितंबर को जो सीई का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे ठीक है चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन क्या, क्या क्या आया था समझते हैं पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किससे आया था तो थ्री से आया था वॉल्यूम से आया था एक मिनट कलर चेंज कर लू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सिक्के का व्यास ढाई सेंटीमीटर और मोटाई दशमलव दो सेंटीमीटर हो तो एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई दस सेंटीमीटर और व्यास पांच सेंटीमीटर को बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा इसकी संख्या ज्ञात करनी है तो सिंपल सा कह रहा है हमें इसकी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें कुछ नहीं करना सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो बेलन है उसका ऊंचाई और मुझे व्यास पता है ठीक है जो सिक्का है जिसको मिलाकर ये वेलन बनाना है उसके भाई व्यास और मोटाई हमें पता है तो इस बेलन के आयतन में इस बेलन के आयतन से भाग लगा देंगे टोटल सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी बेलन के आयतन की बात करें तो आप कहते हो कि सर पाई r स्क्वायर h होता है पाई r स्क्वायर h होता है तो पाई को पाई रहने दिया अगर मैं h की बात करूं तो यहां वैल्यू कितना है 10 और व्यास की बात करूं व्यास कितना है 5 तो आपने कहा सर त्रिज्या कितना होगा 5/2 क्लियर दूसरा अगर मैं सिक्के की बात करूं तो सिक्के का भी आयतन क्या होगा तो आप कहोगे पाई और अगर मैं ऊंचाई की बात करूं कहने का मतलब मोटाई की बात करूं तो यह कितना दिया है दशमलव दो और इसके ब्यास की बात करूं तो यह ढाई है तो आपको ढाई का क्या कर देना है आधा जो कि आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या फटाफट -फड़ वैल्यू काट लेते हैं पाई से पाई को काटा अब मुझे एक बात बताओ इस दो से ये दो कैंसिल इस दो से ये दो कैंसिल ढाई से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा दो बार और ढाई से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा दो बार यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ किसका गुना हो जाएगा दस का इस दो से इस दो को काट दो, दो गुना दस गुना दस कहने का मतलब कितने दो सौ तो आपका सही उत्तर क्या होगा दो सौ हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल ही सही उत्तर क्लियर है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है देखा जाए तो एक तरीके से संख्या ही निकालना है ठीक है आपसे क्या कह रहा है एक डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है साथ साथ में कह रहा है कि इतने घन के आयतन में कितने डब्बे ऐसे समा सकते हैं मतलब संख्या की बात कर रहा है तो आपसे कह रहा है कि टोटल जो आयतन दिया है वह कितना दिया है सिक्स वन डबल फोर ठीक है और जिस डब्बे की बात कर रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है मतलब इसका भी आयतन निकाल लेंगे कैसे तो लंबाई गुना चौराई गुना क्या ऊंचाई अब काट दीजिए इसको आठ से अगर मैं इसको काटू तो आठ से कितना छप्पन या कितना बचेगा चौवन फिर छह बार में अड़तालीस और फिर आठ बार में कितना चौसठ वापस मैं काट दू इसको तो आप देखो ये छे चौका चौबीस चौबीस से डायरेक्ट काट देते हैं चौबीस या कितना होता है बेहतर यहां क्या बचेगा चार और यहां कितना आठ तो चौबीस दुना कितना अड़तालीस तो आपने कहा ऐसे कितने डब्बे समा सकते हैं तो आप कहोगे बत्तीस डब्बे क्या कर सकते हैं समा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर चलिए अगले क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स है परसेंटेज का है बहुत मामूली सा क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स की बात कर रहा है देखिए मैं पूरा स्पेल आउट कर रहा हूं ठीक है अब कह रहा है मैथमेटिक्स शब्द में एम एन के स्थान पे क्या कर लो एन रख लो मतलब जहां -जहां है वहां एन रख लो यहां भी एम ए है यहां क्या रख लो एन रख लो तो मुझे एक बात बताओ एन रखने से पहले टोटल कितने अल्फाबेट थे काउंट कर लेंगे तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस और कितना ग्यारह वापस मिला लेते हैं एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एल कह रहा है मैथेमेटिकल कह रहा है मैथेमेटिक्स नहीं कह रहा Count है काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए तो आपने कहा कि सर ये टोटल कितने अल्फाबेट है, है पहले बारह है ठीक है अब मैंने एम ए के जगह एन रखा एम ए के जगह एन रखा तो अब यहाँ पे एम ए के लिए एक अल्फाबेट काउंट करेंगे एन तो टोटल कितने अल्फाबेट हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस तो पहले अल्फाबेट बारह थे अब अल्फाबेट दस है तो पहले से कितने कम हुए दो कितने में बारह में तो हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या होगा दो बटा बारह और इसमें सौ का क्या कर देंगे गुना दो से यह वैल्यू कितनी बार में छ बार में और सौ बटा छ की बात करें तो यह वैल्यू हमारे पास क्या होगा तो आप कहोगे सर सोलह सही दो बटा

पहले वाले की बात करें तो मूलधन कितना है 600 समय की बात करें कितना है दो और रेट पता नहीं मैंने क्या ले लिया आर और ब्याज निकाले तो बटा क्या कर देंगे सौ दूसरे वाले ब्याज की चर्चा करें तो मूलधन कितना है 200 समय कितना है चार और दोनों का रेट समान लेना है क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है बटा हमने क्या किया 100 और इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ये सौ से सौ कैंसिल ये सौ से सौ कैंसिल यहां इसको गुना करो तो छुनी बारह और आर यहां चार दुनी आठ और आर बारह और आठ कितना हुआ तो आपने कहा बीस आर और बीस आर का वैल्यू कितना दिया सौ तो यहां से डायरेक्ट आर का वैल्यू हम क्या कह सकते हैं पांच परसेंट तो दर कितना हो जाएगा सही उत्तर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ये अब ये किससे है तो प्रॉफिट लॉस से देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कितने रुपए में बेचा है तो आपसे कह रहा है कि जो एस है वह कितना है सिक्सटी नाइन रुपीज और सिक्सटी पैसा ठीक है हानि कितने की हुई है तो लॉस आपसे कह रहा है पच्चीस परसेंट का हुआ है ठीक है मुझे वस्तु का लागत मूल्य कहने का मतलब सीपी निकालना बहुत सारे तरीके हैं मैं रेशियो से कर देता हूं परसेंटेज को क्या लिख सकते हो पच्चीस को एक बटा इसका मतलब चार में खरीदा है एक का लॉस है तो बेचेगा कितने में तो आप कहोगे सर तीन में क्लियर ये बात है और इस तीन का ही वैल्यू क्या दिया है सिक्स नाइन सिक्स जीरो कार्ड दो कितनी बार में तो तीन से दो बार में तीन बार में और ये फिर दो जीरो तेईस दशमलव दो चार में हमसे सीपी पूछा तो सिंपल क्या करना है तेईस दशमलव दो जीरो का इस चार में गुना करना है टोटल वैल्यू क्या होगा तो तेईस का चार गुना हम कह सकते हैं सर नाइनटी टू और बीस का चार गुना कितना अस्सी तो आपने कहा नाइनटी टू पॉइंट एट जीरो रुपया क्या हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा सही उत्तर क्या होगा हमारा तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर ठीक है इसको आप डायरेक्ट भी से भी कर सकते थे अगले क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से है अब देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है तो समझना क्वेश्चन में यह कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी सत्रहवीं पारी में कितना रन मारता है नब्बे रन बनाता है और उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है तीन बढ़ जाता है देखो यहां एवरेज बढ़ रहा है तीन आपसे कह रहा है सत्रहवीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा ये निकालना है तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस पारी का एवरेज निकालने के लिए कहे उससे जस्ट पहले वाली पारी का एवरेज निकाल लीजिए सोलहवीं का हमें कहरा निकालने के लिए हम सॉरी सत्रहवीं का कह रहा है हम सोलहवीं का निकाल लेते हैं एवरेज कैसे निकालते तो ध्यान देना सत्रहवीं में जितना भी रन लगाया उस वैल्यू को लिख दो ठीक है और डेटा सत, सारा सत्रहवीं पारी का लेंगे सत्रवी में रन कितना आया नब्बे तो नब्बे लिख दो ठीक है माइनस का चिन्ह लगाओ अब बताओ सत्रवी पारी तक जाते जाते औसत कितना बढ़ गया तीन तो सत्रह का तीन गुना कर दो ठीक है सत्रह का कितना गुना तीन गुना तो आपने कहा सर नब्बे और नब्बे में से मैं इक्यावन घटा दू तो वैल्यू कितना आएगा उनचालीस अब एक चीज का ध्यान रखना यहां मैंने माइनस क्यों किया क्योंकि यहां एवरेज बढ़ रहा है ठीक है अगर यहां एवरेज घट रहा होता तो यहां प्लस कर देते क्लियर बस इतना सा काम तो हमसे सोलहवीं का एवरेज नहीं पूछा हमसे सत्रहवीं का एवरेज पूछा तो सत्रहवीं का एवरेज निकाल लेंगे सर सोलहवीं तक कितना था उन्चाली था सत्रहवीं में तीन बढ़ गया तो उनचालीस में तीन जोड़ दो यह वैल्यू कितना होगा बयालीस ये इसका शॉर्टकट होता है लॉन्ग मैथड भी है जो कि आपको क्लास में कराया हुआ भी है चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ये बहुत शॉर्टकट आपको समझाया था अगले क्वेश्चन को देखिए ये किससे है रेशियो से है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्री दुल और हुसैन का आपको इनकम का रेशियो दिया है ठीक है मिस्टर दुल है और मिस्टर क्या है हुसैन है इनके इनकम का रेशियो दिया है जो कि कितना दिया है सात अनुपात चार दिया है और इनके खर्च का रेशियो दिया है जो कि दो अनुपात क्या दिया है एक दिया है सेविंग की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है इसके पास भी दस हजार की सेविंग है और इसके पास भी दस हजार की सेविंग है दोनों जगह सेविंग क्या है सेम है ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है अगर दोनों जगह सेविंग का वैल्यू क्या है सेम है बचत की वैल्यू सेम है तो हमें ध्यान देना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए सेम क्यों क्योंकि आय में से खर्च घटाएंगे तभी तो बचत आएगा तो यहां अगर दस हजार है यहां दस हजार है तो यहां रेशियो का अंतर भी क्या होना चाहिए सेम चेक करो सात में से दो घटाया पांच चार में से एक घटाया तीन सेम नहीं है तो सेम बना लो सेम कैसे बनाते हैं तो इनका डिफरेंस लिया तीन इनका डिफरेंस लिया कितना एक तीन से इधर गुना कर दो एक से इधर एक से इधर गुना करोगे तो यही वैल्यू होगा और तीन से इधर गुना करोगे तो यह वैल्यू अब चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आप कहोगे सर तीन दूनी छे और कम तीन। अब बताओ डिफरेंस एक का और यहां भी डिफरेंस कितने का एक का और इसी एक का वैल्यू कितना दिया है में, दस हजार। कितनी बार में कर जाएगा? तो श्री दल की क्या, तो क्या बताएं व्यय बताए मतलब इसका हमें एक्सपेंडिचर बताना है कितना है छे है रेशियो का वैल्यू कितना निकाला हमने सर दस हजार निकाला छे गुना दस हजार सही उत्तर क्या होगा साठ हजार ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर क्लियर है ये बातें तो ये आपके सिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन थे जिसका सॉल्यूशन था मिलते हैं आपसे अगली क्लास में तब के, के लिए थैंक यू धन्यवाद